ए के अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक हिंदी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको केशियो के 5574 मॉड्यूल नंबर और मॉडल नंबर, इसके पीछे देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है AMW830। तो इसके जो है अलग अलग बटन्स का नाम कैसे हम रखते हैं, नाम कैसे रखे हुए हैं और उसका क्या यूज है ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला बटन जो है लेफ्ट टॉप के ऊपर जो बटन है इसको बोलते हैं ए, और इसके पीछे इसका मीनिंग भी इसमें लिखा, बटन क्या करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये है एडजस्ट के लिए, ए एडजस्ट, और ये बी आपका है इधर वाला राइट टॉप वाला बटन, बी आपका है लाइट के लिए, और ये वाला जो है वो लेफ्ट के अंदर लोअर वाला, इसको बोलते हैं हम मोड के लिए, और ये जो राइट साइड में लोअर वाला आपका है ये सर्च के लिए। तो ये तो इनके नाम, और ये पीछे भी लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये पीछे इसके लिखे हुए हैं, ये एडजस्ट लिखा हुआ है, ये मोड लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर सर्च लिखा हुआ है, ये लाइट लिखा हुआ है। तो इसको जो है इधर से अभी ये जो टाइम दिख रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं टाइम कीपिंग मोड। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ डे आ रहा है फ्राइडे, और 11 ये जो मंथ आ रहा है 18th जो है डेट आ रही है। अब इसको ये ए बटन से टॉगल करके आप जो है वो एक बार दबाएंगे, टॉगलिंग बोलते हैं। तो अब ये क्या दिखाने लग गया, ये डिजिट्स में डिजिटल टाइम डिजिट्स में टाइम दिखा रहा है 6:31, और ये जो ऊपर जो है सेकंड आ रहे हैं, इसको वापस टॉगल करेंगे, टॉगल है मैंने एक बार दबाएंगे तो आपका ये टाइम जो डिजिट डिजिटल आ जाएगा, और दूसरी बार दबाएंगे तो आपका ये आ जाएगी डे और डेट, ठीक है, फ्राइडे है और 18th डेट है, 11th मंथ है, पहले मंथ है MMDD। तो ये इसके साथ बाद में आपको जी तो टाइम देखने का टाइम कीपिंग मोड है। अब इसके अलावा आप और भी मोड इसमें देख सकते हैं, ये मैं इससे किससे कर रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी, सी कौन सा है, सी आपका जो है वो मोड चेंज करने के लिए काम आता है, तो इसको मैं प्रेस करूंगा। अब ये टैली मोड जिसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ कॉन्टैक्ट्स मोबाइल नंबर स्टोर किए हैं वो देख रहे हैं, और ये पहला जैसे आ रहा है एक नंबर, यहाँ एक नंबर लिखा है, उसके बाद देखना चाहेंगे तो इससे देख सकते हैं, डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ इसकी। उसके बाद सेकंड मोड वर्ल्ड टाइम, तो इसमें अलग अलग कंट्रीज के जो है वो सिटीज के टाइम दिए हैं, जैसे लंदन आ रहा है। इसके अलावा आप चेंज करेंगे तो डिटेल में इस पर बताऊंगा बाद में किसी और वीडियो में, तो ये अलग अलग कंट्रीज के इसमें टाइम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मोड है, ये पहले मोड आप जैसे सबसे पहले मोड देखा था आपके ये टैली मोड, उसके बाद वर्ल्ड टाइम, इसमें अलग अलग कंट्रीज आप किससे चेंज करेंगे, सर्च वाले मोड से चेंज कर लेंगे, तो यहाँ उसकी डिटेल नहीं बता रहा, ये जस्ट फंक्शंस बता रहा हूँ बटन के। स्नूज था अभी ये, अब ये आपका कौन सा आ गया, ये टाइमर आ गया, ये आपका स्टॉप वॉच आ गया, इसके बाद आपका जो है वो हैंड सेटिंग, ये इसके जो आपके आवर हैंड और मिनट हैंड है, ये अगर इस टाइम से मिसमैच हो, जो डिजिटल टाइम है उससे अगर हैंड्स की मिसमैचिंग हो तो उसको सही कर सकते हैं, उसके बाद फिर दबाएंगे तो ये यानी एक साइक्लिक वे में वापस इस बटन से ए बी सी डी, ठीक है। तो इससे मोड वाले बटन से आप साइक्लिक वे में सारे मोड्स को देख सकते हैं, और जिस भी मोड में आपको फर्दर और कुछ देखना है तो फिर सर्च वाले से आप यूज करके उसके अंदर डिटेल जा सकते हैं। यहाँ मेरा पर्पज ये नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग मोड्स को कैसे से देख सकते हैं और टाइम कैसे देखना आपने। तो टाइम देखने का तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपको जो टाइम दिख रहा है टाइम कीपिंग मोड है, तो ये आपका सेकंड और डिजिट्स के अंदर आ रहा है, दोबारा इसको एक और फिर टॉगल स्विच की तरह काम कर रही है, दोबारा दबाया थी फ्राइडे, और ये मोड एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपका टैली मोड, इसमें 25 दिखा रहा था, 25 स्पेसेस और पड़े हैं, टोटल 30 स्पेसेज हैं स्टोर करने के लिए। उसमें वर्ड टाइम आएगा, अलग अलग कंट्रीज के टाइम देख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट स्नूज वाला है, अलार्म लगा सकते हो इसमें। फिर आपका टाइमर मोड है, एक बार आप ऑन करेंगे तो टाइमर फंक्शन आप जानते ही हैं। उसके बाद आपका स्टॉप वॉच की तरह काम में ले सकते हैं इसको। इसके बाद आपका ये हैंडसेट सेटिंग कर सकते हैं, ये जो आपके हैंड्स हैं क्लॉक के, एनालॉग क्लॉक के, उसको और डिजिटल टाइम में एक डिफरेंस है तो उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद फिर दबाएंगे तो उसी टाइम कीपिंग मोड में आ जाएगा। यदि आप किसी मोड में चल रहे हैं ऑलरेडी
तो वापस आपको टाइम कीपिंग मोड में आना है, तो उसमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली ये टाइम कीपिंग मोड में आ जाएगा। किसी भी मोड में आप काम कर रहे हैं और आपको ये याद रखने की जरूरत, सबसे आसान तरीका है आप उसको छोड़ दें और कुछ सर्टेन टाइम के बाद में, 2 या 3 मिनट जितना भी टाइम हो, बहुत नेग्लिजिबल टाइम होता है, उसके अंदर वापस ये टाइम कीपिंग मोड में आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि ये इस वॉच के अंदर, केशियो की रिस्ट वॉच है, इसका मॉडल मैंने आपको पहले ही बताया, 55 5, मॉड्यूल नंबर 5574 और मॉडल नंबर आपका है AMW 830। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 4 स्विच हैं ABCD, और इनकी हेल्प से आप कैसे किस फंक्शन को देखते हैं, तो टाइम देखना और एक आपका मोड देखना, ये मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट या फीडबैक हो तो जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।